अस्सलाम वालेकुम एवरीबॉडी, हाउ आर यू डूइंग? दिस इज़ फरहान एंड यू आर वाचिंग इंग्लिश विद फरहान। व्यूअर्स, हम मुख्तलिफ़ किस्म के सेंटेंस स्ट्रक्चर्स, सारे टेंसेस और एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्टार्ट करेंगे। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में डिफरेंस क्या है कि हम किसी की कही हुई बात को उसी के अल्फाज में बयान करें तो वो डायरेक्ट है। अगर किसी की कही हुई बात को हम अपने अल्फाज में बयान करें वो इनडायरेक्ट है। अगर हम डायरेक्ट का एक सेंटेंस देखें, ही सेज टू मी आई लर्न अ लेसन। ये सेंटेंस दो हिस्सों पे मुश्तमिल है। इन्वर्टेड कॉमा से बाहर वाला हिस्सा रिपोर्टिंग स्पीच कहलाता है और इन्वर्टेड कॉमा से अंदर वाला हिस्सा रिपोर्टेड स्पीच कहलाता है। आप इस तरह से भी समझ सकते हैं कि रिपोर्टिंग स्पीच है बात कहने वाला, और जो बात कही गई है वो रिपोर्टेड स्पीच है। डायरेक्ट सेंटेंस को या डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट में चेंज करने के लिए तीन किस्म की चेंजेस होती हैं। एक है चेंजेस ऑफ पर्सन्स, दूसरी है चेंजेस ऑफ टेंसेस और तीसरी है चेंजेस ऑफ वर्ड्स। इस वीडियो में हम चेंजेस ऑफ पर्सन सीखेंगे और उसके बाद हम फिर चेंजेस ऑफ टेंसेस और चेंजेस ऑफ वर्ड्स की तरफ आएंगे। चेंजेस ऑफ पर्सन्स को समझने के लिए मैं पहले एक वीडियो बना चुका हूँ पर्सनल प्रोनाउंस पे, या फॉर्म्स ऑफ प्रोनाउन, उसको केसेस ऑफ प्रोनाउंस भी कह सकते हैं। इसको डिटेल से समझने के लिए मैं इस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा और वहाँ से डिटेल से समझ सकते हैं। डायरेक्ट इनडायरेक्ट को समझने के लिए पर्सनल प्रोनाउंस या पर्सन्स को समझना बहुत ज़रूरी है। डायरेक्ट इनडायरेक्ट की तरफ बढ़ने से पहले मैं थोड़ा सा आपको पर्सनल प्रोनाउंस के बारे में बता देता हूँ। आई, वी और इसकी तमाम फॉर्म्स, सब्जेक्टिव फॉर्म, ऑब्जेक्टिव फॉर्म, पोजेसिव एडजेक्टिव या पोजेसिव प्रोनाउन, ये सारे फर्स्ट पर्सन हैं। यू और इसकी तमाम फॉर्म सेकंड पर्सन है। ही, शी, इट और दे, इसकी तमाम फॉर्म्स भी ये थर्ड पर्सन है। डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करने के लिए चेंजेस ऑफ पर्सन्स भी बहुत ज़रूरी हैं, इनको भी समझना होगा। अगर हम फर्स्ट सेंटेंस को देखें, ही सेज टू मी आई लर्न माय लेसन, इसका अगर हम इनडायरेक्ट बनाएं तो हम इस तरह करेंगे कि ही से को हम आमतौर पे टेल में चेंज करते हैं। ही टेल्स मी, डायरेक्ट के इन्वर्टेड कॉमास को ख़त्म करने के लिए हम दैट लगाते हैं। अब हमारा जो मेन फोकस है वो चेंजेस ऑफ पर्सन्स पे है। इसमें पर्सन कौन सा यूज़ हुआ है? फर्स्ट पर्सन, आई और माई। रिपोर्टेड स्पीच के पर्सन रिपोर्टिंग स्पीच के पर्सन्स के मुताबिक चेंज होते हैं। अगर रिपोर्टेड स्पीच में फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन कौन सा है? आई, वी और इसकी तमाम फॉर्म्स फर्स्ट पर्सन है, वो रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट के मुताबिक चेंज होता है। अगर रिपोर्टेड स्पीच में सेकंड पर्सन हो तो वो रिपोर्टिंग स्पीच के ऑब्जेक्ट के मुताबिक चेंज होता है। सेकंड पर्सन यू और इसकी तमाम फॉर्म सेकंड पर्सन है। अगर इस साइड पे रिपोर्टेड स्पीच में कोई भी सेकंड पर्सन होगा तो वो रिपोर्टिंग स्पीच के ऑब्जेक्ट के मुताबिक चेंज होगा। अगर रिपोर्टेड स्पीच में कोई भी थर्ड पर्सन, ही, शी, इट, दे या इसकी कोई भी फॉर्म हो तो वो चेंज नहीं होती। अब हम फर्स्ट सेंटेंस के पर्सन्स को चेंज करें तो आए फर्स्ट पर्सन है। रिपोर्टेड स्पीच में फर्स्ट पर्सन रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट के मुताबिक चेंज होता है। सेकंड पर्सन रिपोर्टिंग स्पीच के ऑब्जेक्ट के मुताबिक चेंज होता है। और थर्ड पर्सन अगर रिपोर्टेड स्पीच में हो तो वो चेंज नहीं होता। इसको मैंने यहाँ पे भी लिखा हुआ है कि फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के मुताबिक चेंज होता है, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के मुताबिक चेंज होता है और थर्ड पर्सन नो चेंज। इसको मज़ीद शॉर्ट फॉर्म में समझने के लिए आप इस सन वाले फार्मूले को भी समझ सकते हैं कि फर्स्ट पर्सन अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, सेकंड पर्सन अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट और थर्ड पर्सन नो चेंज। अब हम फर्स्ट सेंटेंस के पर्सन्स को चेंज करते हैं। आई फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के मुताबिक चेंज होता है। ये सब्जेक्टिव फॉर्म है तो जिसके मुताबिक चेंज होगा उसकी सब्जेक्टिव फॉर्म यानी कि ही लगाएंगे। ही लर्न, लर्न वैसे ही आ गया। ही सिंगल है तो जब भी सिंगल सब्जेक्ट के साथ हम फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं तो ऐसे ही एस भी लगाते हैं। ही लर्न्स। माय फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के मुताबिक चेंज होगा। माय पोजेसिव फॉर्म है तो जिसके मुताबिक चेंज होगा उसकी पोजेसिव फॉर्म लगाएंगे। पोजेसिव फॉर्म इसकी हीज आ गई। लेसन वैसे ही आ गया, लेसन डेली। आपने एक बात याद रखनी है कि इस साइड के पर्सन जब इस साइड के पर्सन के मुताबिक चेंज होंगे तो फॉर्म इस साइड वाली रहेगी। आई फर्स्ट पर्सन है, इसने सब्जेक्ट के मुताबिक चेंज होना है। ये सब्जेक्टिव फॉर्म है जिसके मुताबिक इस साइड वाले पर्सन ने चेंज होना है, फॉर्म इस साइड वाली रहनी है। ये सब्जेक्टिव फॉर्म है तो जिसके मुताबिक चेंज हुआ हमने उसकी सब्जेक्टिव फॉर्म लगाई। माय पोजेसिव फॉर्म है, फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के मुताबिक चेंज होगा। ये पोजेसिव फॉर्म है, जिसके मुताबिक चेंज होगा उसकी भी हमने पोजेसिव फॉर्म लगाई है। ये पोजेसिव फॉर्म्स हैं। लेकिन पर्सनल प्रोनाउंस वाली जो वीडियो थी उसमें मैंने इसको अलग तरीके से पोजेसिव एडजेक्टिव क्या होता है, पोजेसिव प्रोनाउन क्या होता है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या, एम्फेटिक प्रोनाउन क्या, सारे प्रोनाउंस को डिस्कस किया। अब हम नेक्स्ट सेंटेंस को देखते हैं। आई से टू हिम यू आर हेल्पिंग मी इन माई वर्क। अब आई टेल हिम, से को हमने टेल में तब्दील करना है। आई टेल हिम, इन्वर्टेड कॉमास को ख़त्म करने के लिए हम दैट लगाते हैं। यू सेकंड पर्सन है, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के मुताबिक चेंज होता है। ये सब्जेक्टिव फॉर्म है, जिसके मुताबिक चेंज होगा उसकी सब्जेक्टिव फॉर्म लगाएंगे। तो हिम की सब्जेक्टिव फॉर्म ही है, ही के साथ आर नहीं इज आएगा। हेल्पिंग मी, मी फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के मुताबिक चेंज होगा। ये ऑब्जेक्टिव फॉर्म है, जिसके मुताबिक चेंज होगा उसकी ऑब्जेक्टिव फॉर्म लगाएंगे। अब मी ने सब्जेक्ट आई के मुताबिक चेंज होना है। ये ऑब्जेक्टिव फॉर्म है, जिसके मुताबिक चेंज हुआ आई के मुताबिक चेंज हुआ तो उसकी हमने ऑब्जेक्टिव फॉर्म लगाई। इन माय, माय फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के मुताबिक चेंज होगा। ये पोजेसिव फॉर्म है, जिसके मुताबिक चेंज होगा उसकी पोजेसिव फॉर्म, यानी आई की भी पोजेसिव फॉर्म माय ही आएगी। माय वर्क। रिपोर्टिंग स्पीच मुख्तलिफ़ किस्म के हो सकते हैं, जैसे वो कहता है, वो पूछता है, वो बताता है, वो हुक्म देता है, वो दरख्वास्त करता है। जो भी यहाँ पे वो कहता है, जो कहा गया है, वो रिपोर्टेड स्पीच है। चेंजेस ऑफ पर्सन्स को समझने के लिए हम मज़ीद सेंटेंसेस की प्रैक्टिस करते हैं और नेक्स्ट वीडियो में फिर हम चेंजेस ऑफ टेंसेज और चेंजेस ऑफ वर्ड्स के बारे में सीखेंगे। चेंजेस ऑफ पर्सन्स को समझने के लिए इनकी मज़ीद प्रैक्टिस करते हैं। ही, सेज या टेल्स भी लगा सकते हैं। अगर रिपोर्टिंग स्पीच में ऑब्जेक्ट नहीं है तो से को से भी लगा सकते हैं, लेकिन अगर रिपोर्टिंग स्पीच में ऑब्जेक्ट है तो से को टेल में ज़रूर चेंज करना है। ही सेज, इन्वर्टेड कॉमास को ख़त्म करने के लिए हमने दैट लगाया। आई फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के मुताबिक चेंज होगा। आई सब्जेक्टिव फॉर्म है, जिसके मुताबिक चेंज होगा उसकी सब्जेक्टिव फॉर्म यानी कि ही लगाएंगे। गो, ही के साथ गो नहीं, ही के साथ जब भी फर्स्ट फॉर्म लगाएं सिंगल सब्जेक्ट के साथ एस या एस भी आएगा। टू स्कूल डेली। नेक्स्ट सेंटेंस है ही विल टेल मी, टेल मी दैट, इन्वर्टेड कॉमास को ख़त्म करने के लिए। यू सेकंड पर्सन है, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के मुताबिक चेंज होता है, लेकिन फॉर्म किसी भी पर्सन की जो फॉर्म इस साइड पे है फॉर्म वही रहेगी, लेकिन पर्सन सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट के मुताबिक चेंज होगा। यू सेकंड पर्सन है, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के मुताबिक चेंज होता है। यू सब्जेक्टिव फॉर्म है, जिसके मुताबिक चेंज होगा उसकी सब्जेक्टिव फॉर्म, यानी मी की सब्जेक्टिव फॉर्म क्या है, आई। आई लगाएंगे, आई के साथ आर नहीं आता, एम आता है। डिस्टर्बिंग, मी फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के मुताबिक चेंज होगा। ऑब्जेक्टिव फॉर्म है, जिसके मुताबिक चेंज होगा उसकी ऑब्जेक्टिव फॉर्म हिम लगाएंगे। नेक्स्ट सेंटेंस है आई टेल यू। टेल के साथ टू नहीं आता। आई टेल यू, इन्वर्टेड कॉमास को ख़त्म करने के लिए दैट लगाया। आई फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के मुताबिक चेंज होगा। आई सब्जेक्टिव फॉर्म है, जिसके मुताबिक चेंज होगा उसकी सब्जेक्टिव फॉर्म आएगी और आई वैसे ही आ गया। आई हैव डन माई। माई फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के मुताबिक चेंज होगा। माई पोजेसिव फॉर्म है, जिसके मुताबिक चेंज होगा उसकी पोजेसिव फॉर्म माई वैसे ही आ जाएगा। वर्क। ही सेज टू मी यू आर लाइक माई ब्रदर, तो ही टेल्स मी, इन्वर्टेड कॉमास को ख़त्म करने के लिए दैट लगाया। यू सेकंड पर्सन है, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के मुताबिक चेंज होता है। ये सब्जेक्टिव फॉर्म है, जिसके मुताबिक चेंज होगा उसकी सब्जेक्टिव फॉर्म आई लगाएंगे। आई के साथ आर नहीं एम आएगा। लाइक माई, माई फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के मुताबिक चेंज होगा। माई पोजेसिव फॉर्म है, जिसके मुताबिक चेंज होगा उसकी पोजेसिव फॉर्म यानी ही की पोजेसिव फॉर्म हीज आएगी। हीज ब्रदर। टेंसेस और वर्ड्स की चेंजेस के हवाले से एक पॉइंट अभी से समझ लें। अगर रिपोर्टिंग स्पीच, ये वाला रिपोर्टिंग स्पीच प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में है तो रिपोर्टेड स्पीच में टेंस या अल्फाज की कोई तब्दीली नहीं होगी, लेकिन अगर रिपोर्टिंग स्पीच किसी भी पास्ट टेंस में है तो रिपोर्टेड स्पीच में टेंस भी चेंज होगा और कुछ वर्ड्स भी चेंज होंगे, जो हम नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे कौन से वर्ड्स हैं, किस तरह चेंज होंगे, कौन सा टेंस किस टेंस में चेंज होगा। दिस इज़ ऑल व्हाट आई हैव टुडे। कीप वाचिंग इंग्लिश विद फरहान। थैंक यू।